हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आता है, क्लास मोस्ट ऑफ दी जो पूछे जाते हैं सम्स, ठीक है। तो ये मैं बात करने जा रहा हूँ आपका वैम पे, वैम जो मोस्ट ऑफ दी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है क्लास, ये मैं आज वीडियो में समझाने वाला हूँ कैसे सम सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अगर क्लास कोई भी कॉन्सेप्ट मिस होता है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज कर सकते हो, तो एज पॉसिबल एज मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और वीडियो को अगर नहीं समझता है क्लास, तो एक बार रिवर्स करके या रिमाइंड करके आप वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक है। कहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू एलोकेट करने वाला हूँ, ये भी एकदम अच्छे से देखो क्लास। तो इससे क्या होगा कि जो आपका वैम का वैल्यू है, ठीक है, वैम जो सम है वो आपको समझ में आएगा। बिकॉज वैम के बेस पे क्या आपको मोदी मेथड करना है क्लास, ठीक है। और एग्जाम में मोस्ट ऑफ दी आपको वैम गिवन होता है, मोदी मेथड सॉल्व करना होता है, तो एज पॉसिबल एज जो डिपेंडेड होता है, अदरवाइज आपको वैम और मोदी दोनों एक साथ करना होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैम, ठीक है। तो वैम बहुत ही ईजी है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, देना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ पे वेयर हाउस गिवेन है, 4 वेयर हाउस है और फैक्ट्री 3 है, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड गिवेन है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इसका टोटल कर दिया हूँ पहले से, दैट इज मीन्स यहाँ पे टोटल आपको पहले करके लेना है, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड का। क्यों? बिकॉज आपको ये पता चलना चाहिए इट इज़ अ बैलेंस सम और इट इज़ अ अनबैलेंस सम। अगर अनबैलेंस सम होगा तो इसमें आपको डमी यूज़ करना है। डमी कहाँ पे यूज़ करना होगा क्लास? एस डिपेंडेंट होगा जहाँ पे आपको वैल्यू कम होगी। अगर डिमांड के कॉलम में वैल्यू कम है तो आपको कॉलम वाइज जाना है, अगर सप्लाई में कम होगा तो रो वाइज जाना है, ठीक है। डिमांड में कम होगा तो कॉलम वाइज और सप्लाई में कम होगा तो रो वाइज, ऐसा आपको जाना है, ठीक है। तो पहले आपको ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि जहाँ पे आपका ये डमी यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं आज? बैलेंस सम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया हुआ है और वैम का एक मेथड जो टेबल है मैंने यहाँ पे फॉर्म करके रखा हुआ है। तो वैम का टेबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड क्या किया है? सिर्फ रो पेनल्टीज एंड कॉलम, ठीक है। और इसके बेस पे आपको पूरा सम सॉल्व करना है। तो ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो एकदम अच्छे से देखना, पूरा वीडियो देखना, तो जाके आपको ये वैम का मेथड पूरा समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं वैम मेथड कैसे सॉल्व करना है। पहले हम जाएंगे रो पेनल्टीज पे, फिर कॉलम पेनल्टीज पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सप्लाई एंड डिमांड है क्लास, ठीक है। वैम में क्या करना है आपको? जो दो लोवेस्ट वैल्यू होंगे, ठीक है, कॉस की जो वैल्यू होंगे लोवेस्ट, उसको ले के दोनों को माइनस कर देना है आपको। दैट इज मीन जो आपका जो भी कॉस्ट है, ठीक है, रो वाइज एंड कॉलम वाइज। रो वाइज में देखना है आपको फर्स्ट वन जो भी दो लोवेस्ट वैल्यू होंगे, ठीक है, जैसे कि 32 एंड 26, ये क्या हो गया आपके लोवेस्ट वैल्यू। ये दो वैल्यू को क्या करना है आपको? लेके माइनस करना है। जितनी भी वैल्यू आएगी ये आपको यहाँ पे लिख देना है। दैट इज मीन 32 से ही मैंने क्या किया, 26 माइनस किया, तो वैल्यू कितनी आएगी? 6। सेम यहाँ पे भी करना है, सेकेंड रो में भी 28 और 34, ये दोनों लोवेस्ट है, इसको माइनस करना है, कितना आएगा? 6। नेक्स्ट वन 36 और 54, ये लोवेस्ट वैल्यू है क्लास, इसको माइनस करना है, तो आंसर आएगा आपका 18, ठीक है। ये रो वाइज हो गया। कॉलम में आते हैं, अभी कॉलम में क्या करना है, यहाँ पे भी देखना है लोवेस्ट वैल्यू। तो लोवेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे? 42 एंड 34, ठीक है, ये दोनों को माइनस करना है, देन आंसर कितना आएगा? 8। एंड आफ्टर एड क्लास 32 और 36, ये लोवेस्ट वैल्यू है, माइनस करना है, कितना आएगा वैल्यू? 4। फिर आफ्टर 28 और 36, ये दोनों लोवेस्ट वैल्यू है, माइनस कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 8। आफ्टर 26, 46, ये दोनों लोवेस्ट वैल्यू है, माइनस करो, वैल्यू कितनी आएगी? 20। देन अभी ये जो वैल्यू आई है रो एंड कॉलम में, ठीक है, ये दोनों जगह देखना है आपको, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 20, ठीक है। आपको रो में भी देखना है और कॉलम में भी देखना है, तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपकी? 20 हो गई। अब इसमें जाना है आपको रो वाइज कॉलम वाइज, इसमें लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 26, ठीक है। 26 का सप्लाई कितना है? 11 और डिमांड 15, तो जो भी लोवेस्ट वैल्यू होगा डिमांड एंड सप्लाई में उसको एलोकेट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 11 क्या कर दिया? एलोकेट कर दिया है, देन 50 में से 11 माइनस कर दो, कितना आएगा? 4, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, फिर से आपको रो पेनल्टीज एंड कॉलम पेनल्टीज में आना है, फिर इसमें से हाईएस्ट वैल्यू देखना है, हाईएस्ट वैल्यू के बाद क्या करना है आपको? फिर रो या कॉलम में जो भी आपके लोवेस्ट वैल्यू होंगे उसको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये आपका जो फर्स्ट रो है ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसको मैं कट कर दे रहा हूँ।
बिकॉज यहाँ पे 11 क्या था सप्लाई, और यहाँ पे मैंने 11 सप्लाई कंप्लीट कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया है, इसके वजह से मैं ये रो अब नहीं देखूँगा। अभी नेक्स्ट वन, इसमें क्या होगा आपका सेम वैल्यू आएगी यहाँ पे भी 6, फिर इधर पे 18, यहाँ पे जाना है माइनस करना है क्लास। अभी कॉलम में चेंजेस हो जाएगा वैल्यू, 34 और 64 है, इसको माइनस करना है तो आंसर कितना आएगा 30, 36 और 54 को माइनस करना है देन आंसर आएगा 18, 28 और 36 को माइनस करोगे क्लास तो कितना आएगा 8, 46 और 82 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 36, ठीक है। तो अभी रो एंड कॉलम, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है 36, फिर से जाना है आपको इसमें देखना है लोवेस्ट वैल्यू कॉलम वाइज, लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी 46, सप्लाई कितना है 13, डिमांड कितना है यहाँ पे 4, तो आप क्या करना है 4 को सब्स्टिट्यूट करना है बिकॉज 4 क्या है लोवेस्ट वैल्यू, और 13 में से 4 माइनस करोगे देन आंसर बचेगा आपका 9, ठीक है। इसको सेपरेटली लिख लेना है आप मोस्ट ऑफ दी, ये जब वैम करोगे तो इसमें पेंसिल का यूज़ करो, पेन से कैसा कन्फ्यूज़न आएगा कि हमने कौन सा रो कट किया हुआ है, कॉलम कट किया हुआ है और कहाँ पे हमने एलोकेट किया हुआ है, तो इसीलिए जब एलोकेट करो तो ये पेन से करना, और जो हम कट बिट कर रहे हैं और जो बैलेंस लिख रहे हैं ये पेंसिल से करना। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर, सेम करना है आपको। अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका ये रो कॉलम है यहाँ पे 15 है, मैंने यहाँ पे 15 क्या कर दिया सेटिस्फाई कर दिया हुआ है, तो अभी ये कॉलम को नहीं देखना है आपको, तो दैट इज़ में F2 F3 तक देखना है और यहाँ पे W1 से लेके W3 तक देखना है, माइनस करना है अभी यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू लेके, तो लोवेस्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी सेम 28 और 34 है, इसको माइनस करना है तो 6, यहाँ पे 54 और 36 को माइनस करोगे तो 18, कॉलम वाइज आओ यहाँ पे सेम हो जाएगा 34 64 माइनस किया तो 30, 36 15 माइनस करोगे तो 18 एंड यहाँ पे 8। अभी हाईएस्ट वैल्यू देखना है आपको, हाईएस्ट वैल्यू क्या बनेगी आपकी 30, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आया आपका, इसमें लोवेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 34, यहाँ पे सप्लाई कितना है 9 और डिमांड कितना है 6, तो लोवेस्ट वैल्यू क्या आपकी 6, मैंने यहाँ पे 6 सब्स्टिट्यूट कर दिया हुआ है और 9 में से 6 अभी माइनस कर दो बचेगा कितना 3, और ये जो फर्स्ट कॉलम है आपका ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। सेम प्रोसीजर आएंगे आगे, अभी आपका दो ही बचा हुआ है यहाँ पे W2 और W3 माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करोगे तो सेम वैल्यू आएगी 36 माइनस 28 करोगे तो 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 54 माइनस 36 करोगे तो 18 हो गया, कॉलम वाइज हो यहाँ पे 18 और यहाँ पे 8, तो हाईएस्ट क्या हो गया 18, ये आपका कॉलम में भी आएगा और रो में भी आएगा दोनों जगह आपका वैल्यू, तो आप स्टार्ट कर सकते हो कैसे भी। कॉलम में देख लेते हैं फर्स्ट वन, अब कॉलम में यहाँ पे 36 गिवन है लोवेस्ट वैल्यू और उसका डिमांड 10 और सप्लाई कितना है 3, तो सबसे पहले आपको सप्लाई देना है बिकॉज लोवेस्ट वैल्यू है और यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 7, ठीक है। तो दैट इज़ में मेरा F2 क्या होता है यहाँ पे अभी कंप्लीट होता है बिकॉज मैंने यहाँ पे जो सप्लाई था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। एंड नेक्स्ट वन क्लास, यहाँ पे 7 रिमेनिंग है, आते अभी रो वाइज में लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पे 36, ठीक है, 36 का यहाँ पे कितना है 12, डिमांड और सप्लाई 19 है, तो लोवेस्ट वैल्यू क्या है आपका 12, और 19 में से 12 माइनस कर देना है तो रिमेनिंग कितना बचेगा 7, ठीक है। अभी एक ही नंबर बचा हुआ है आपका, एक ही कॉलम बचा हुआ है, एक कॉलम एक रो, तो यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग ईजी वे में, 7 यहाँ पे भी 7 यहाँ पे भी, दोनों सेम है यहाँ पे 7, तो ये हो गया आपका वैम का पूरा टेबल कंप्लीट, ठीक है। इस बेस पे हमने क्या किया था, एक बार रिकैप कर लेते हैं इसको छोटा सा, कि जो आपका वैम का टेबल है आपको सॉल्व करना है ये रो पेनल्टीज एंड कॉलम पेनल्टी के बेस पे सम सॉल्व होगा, और इसमें क्या करना है आपको लोवेस्ट वैल्यू देखना है, दो लोवेस्ट वैल्यू देख के आपस में माइनस कर देना जो भी वैल्यू आएगी इसको रो एंड कॉलम के वाइज रखना है, रो एंड कॉलम में रखने के बाद इसमें क्या करना है आपको हाईएस्ट वैल्यू देखना है, हाईएस्ट वैल्यू देखने के बाद फिर आपको कॉलम वाइज या रो वाइज जैसे भी आपकी वैल्यू आएगी उसमें लोवेस्ट वैल्यू देख के सप्लाई एंड डिमांड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहाँ पे आपका वैम का टेबल कंप्लीट होता है। अब वैम का टेबल कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, रीम कंडीशन करना है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है क्लास, तो इसमें आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट कब तक फाइंड आउट नहीं होगा जब तक आप रीम कंडीशन नहीं करोगे, ठीक है। रीम कंडीशन एम प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशन,
एम दैट इज मीन रो, तो 1, 2, 3, एन मीन्स कॉलम 1, 2, 3, 4 कॉलम वाइज, माइनस 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशन काउंट कर लेते 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो दैट इज मीन 6, इसको माइनस करोगे तो 6 इक्वल्स टू 6, तो देयरफॉर रिम कंडीशन सेटिस्फाइड। रिम कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, देन आप आफ्टर दैट क्या फाइंड आउट करना है आपको, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, कैसे करना है ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। अगर आप वैम के अलावा NWCM या LCM की वीडियो देखना चाहते हो क्लास, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे के रखा हुआ है, आप दोनों लिंक पे जाके LCM और NWCM की वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे भी मैंने रिम कंडीशन और टोटल कॉस्ट के बारे में बताया हुआ कि कैसे यूज़ करना है कैलसी और कैसे फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं टोटल कॉस्ट के लिए, जहाँ पे आपने एलोकेट किया हुआ है वैल्यू और जहाँ पे आपका कॉस्ट है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों को प्लस कर देना है। कैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से फर्स्ट रो से 26 यहाँ पे गिवन है और एलोकेट किया हुआ है हमने वैल्यू 11। सेकेंड में आते हैं 34 आपका कॉस्ट है, एलोकेट किया हमने 6, फिर 36 इंटू 3, फिर देन प्लस आफ्टर 46 इंटू 4 प्लस 54 इंटू 7 प्लस 36 इंटू 12, ये मैंने वैल्यू रख दिया क्लास। आपको क्या करना है, कैलसी यूज़ करना है और कैलसी में मेमोरी बटन यूज़ करना है, ठीक है। कैलसी में मेमोरी बटन कैसे यूज़ करना है मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि जो भी नंबर है आपको उसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि 26 इंटू 11, फिर आपको मेमोरी का बटन दबाना है, मेमोरी दैट इज मी एम इक्वल्स टू प्लस लिखा होगा बटन, इक्वल के बिसाइड में होगा ये वैल्यू, तो जो बटन है उसको प्लस वन टाइम ही प्रेस करना, बिकॉज दो टाइम प्रेस करोगे तो उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कैलसी से वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहा हूँ क्लास, 46 इंटू 4 प्लस 54 इंटू 7 प्लस 36 इंटू 12, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1592। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हो गया मेरा ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे मैंने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया हुआ है। तो आई होप ये जो वैम का आपका टेबल है ये आपको समझा होगा कॉस्ट, ठीक है। बेसिकली ये इजी है, आप इस पर थोड़ा सा फोकस करो, वीडियो को पूरा देखो तो जाके आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। विदाउट वैम आपका मोदी मेथड आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो जो ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम है क्लास, मोस्ट ऑफ दी यही सम आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन में। अदरवाइज LCM और NWCM ये इजी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे वीडियो देखते होंगे क्लास, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देके रखा हुआ है, NWCM, LCM और वैम के, ठीक है। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो मोदी मेथड्स है, ठीक है। मोदी मेथड्स बेसिकली इसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको बता दूंगा वैम के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैम का सम सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन भी है यहाँ पे आपके ओपन सर्च के जो बुक्स है उसमें मैंने क्वेश्चन उठाए हुए। तो जो क्वेश्चन है क्लास, यहाँ पे मैंने वैम सॉल्व किया, ये वैम मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके वैम का पूरा वीडियो देख सकते हो और उसके बाद आप फिर आके मोदी मेथड देखना, ठीक है। तो मोदी मेथड कैसे सॉल्व करना है, मैंने यहाँ पे मोदी मेथड के लिए पूरा टेबल फॉर्म करके रखा हुआ है। मोदी मेथड दैट इज मीन्स मोडिफिकेशन, ठीक है। मोडिफिकेशन करना यहाँ पे, जो भी आपने वैम में किया हुआ है उसको मोडिफाई करना। तो मोडिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट हम वैम टेबल बनाना है। वैम टेबल के बाद जो भी आपका वैल्यू आएगा एलोकेशन के बाद, तो आपको जो भी एलोकेट वैल्यू हुआ रहेगा वो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। मैंने यहाँ पे वैम किया हुआ है, आप देख सकते हो मैंने जो भी वैल्यू यहाँ पे एलोकेट किया हुआ था सेम मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे मोदी मेथड्स, ठीक है। मोदी मेथड कैसे स्टार्ट करना है आपका, UINVJ, इसमें ये दो पार्ट आते हैं, इसके बेस पे आपका सम सॉल्व होता है। और मोदी मेथड को कब तक सम सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपको मोस्ट ऑफ द डाउट होता है कि मोदी मेथड कब तक सॉल्व करना है और ये कैसे सॉल्व होगा। मोदी मेथड आपको जब तक सॉल्व करना है जब तक आपके जो नॉन एलोकेशन सेल्स है, नॉन एलोकेशन सेल्स दैट इज मीन जहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है क्लास, उसको मैं बोलता हूँ एलोकेशन सेल्स, और जहाँ पे वैल्यू नहीं है वो मेरे क्या हो जाएंगे, नॉन एलोकेशन सेल्स, ठीक है। अभी ये नॉन एलोकेशन सेल्स हो गए क्लास, तो वहाँ पे अगर नेगेटिव नंबर आता है तो नेगेटिव नंबर आ गया क्लास, दैट इज मीन सम आ गया आपका और भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते आपका मोदी मेथड्स। तो फर्स्ट वन UINVJ पे जाना है, UI की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है।
आपको हमेशा अज्यूम करना है यूआई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब यूआई की वैल्यू जीरो हो गई क्लास, देन आपको अभी क्या करना है कि इसकी वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो ये एलोकेशन सेल्स है और मुझे यूआई और वीजे फाइंड आउट करना है। उसके लिए दो फॉर्मूला है, एक एलोकेशन सेल्स के लिए फॉर्मूला है, एक नॉन एलोकेशन सेल्स के लिए फॉर्मूला है। तो एलोकेशन सेल्स के लिए फॉर्मूला क्लास, कॉस इक्वल्स टू यू आई प्लस वीजे, ये आपका एलोकेशन सेल्स का फॉर्मूला हो गया, कॉस इक्वल्स टू यू आई प्लस वीजे। तो अभी यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, ठीक है, यू आई की वैल्यू अपने जीरो ले लिया हुआ है, आपको क्या फाइंड आउट करना है अभी, वीजे। तो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, जहाँ पे एलोकेट सेल्स है और यहाँ पे फैक्ट्री वन और डब्ल्यू फोर है। तो फैक्ट्री वन डब्ल्यू फोर, कॉस कितना है यहाँ पे 26, ये आपका कॉस का वैल्यू हो जाएगा 26 इक्वल्स टू यू आई, यू आई की वैल्यू कितनी हो गई है जीरो, और आपको फाइंड आउट क्या करना है वीजे। देन जीरो की वैल्यू है क्लास, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ पे वीजे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, तो यहाँ पे मैं 26 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज है, एक और देख लेते हैं, आते एफ टू में, एफ टू और डब्ल्यू वन इक्वल, यहाँ पे कॉस कितना है 34, और यहाँ पे देखना है अभी आपको यू आई कितना है, वीजे कितना है, तो ये फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको वीजे का वैल्यू दिया हुआ है उसके बेस पे आपको यू आई का वैल्यू मिल जाएगा। तो दैट इज़ मुझे स्टार्ट क्या करना पड़ेगा, एफ टू और डब्ल्यू फोर, तो दैट इज़ मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा अभी डब्ल्यू फोर, और यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी है 46, 46 इक्वल्स टू, और यू आई आपको अभी यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे यू आई की वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे वीजे की वैल्यू गिवन है, वीजे की वैल्यू है 26, देन प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 46 माइनस 26, और यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हमें 20, ठीक है, ये जो 20 है ये मेरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अभी नेक्स्ट क्या करना है क्लास, ये फॉर्मूले को आपको पूरा यूज़ करना है, लेकिन अभी एग्ज़ाम में आपके जो टाइम होते हैं वो 2.5 मार्क्स के, क्योंकि 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। अगर हम यही फॉर्मूला पूरा सॉल्व करें तो आपका पूरा टाइम निकल जाएगा, तो इसलिए क्लास थोड़ा सा इसको लॉजिक वे में सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने मैंने कुछ फॉर्मूला बनाए हुए, जैसे कि प्लस प्लस, बेसिकली क्या होता है प्लस प्लस, क्या होता है, सबने मैथ्स किया हुआ है बचपन में, ठीक है, टेंथ तक सबने मैथ्स किया हुआ है, ट्वेल्थ तक भी मैथ्स किया हुआ है सबने। तो प्लस प्लस बेसिकली हमारे माइंड में क्या आता है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन जो टेबल है ये इजी हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ऐसा जाना है आपको, ठीक है, ये थोड़ा अपोजिट हो जाएगा मैथ्स के लिए, लेकिन ऑपरेशन रिसर्च के लिए यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, प्लस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी इजी वे में हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, आपको प्लस प्लस माइनस करना है, दैट इज़ मीन्स यहाँ पे आपको यू आई गिवेन है और एलोकेशन सेल्स देखना है, यहाँ पे क्या गिवेन है 36, 36 भी प्लस में और 20 भी क्या है प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होगा माइनस, तो 36 माइनस 20, तो आंसर आ गया क्लास 16। अगर आप फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आएगी, तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो इसीलिए ये आप याद रखना, ठीक है, थोड़ा लॉजिक वे में। फिर आगे चलते हैं 54 और 16 पे, 54 भी क्या है प्लस में, 16 भी क्या है प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होगा माइनस, इसको माइनस करेंगे क्लास, तो आंसर आएगा आपका 28। तो देखो मैं यू आई का टेबल कंप्लीट हो गया, मुझे वीजे का टेबल कंप्लीट करना है, तो अभी क्या करूँगा मैं, सेम 36 यहाँ पे और 28 यहाँ पे, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, प्लस प्लस माइनस 36 माइनस 28, दैट इज मीन 8। एंड नेक्स्ट वन आते हैं क्लास, यहाँ पे 20 भी प्लस में 34 भी प्लस में, तो प्लस प्लस माइनस, तो आंसर आएगा आपका 14। ये हो गया मेरा एलोकेशन सेल्स। अभी आते हैं नॉन एलोकेशन सेल्स के लिए, ये आपका है नॉन एलोकेशन सेल्स। अभी जब तक नॉन एलोकेशन सेल्स में आपका नेगेटिव नंबर नहीं आया तो समझ जाना आपका सम सॉल्व हो गया, अगर नेगेटिव नंबर आ गया क्लास तो सम को कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं, नॉन एलोकेशन सेल्स, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल्स टू कॉस माइनस यू आई प्लस वीजे, ठीक है,
ये फॉर्मूला है नॉन एलोकेटेड सेल्स का, डेल्टा इक्वल्स टू कॉस माइनस यू आई प्लस वीजे। हमें कॉस भी गिवन है, यू आई भी गिवन है, वीजे भी गिवन है, इसके बेस पे हम क्या करेंगे नॉन एलोकेटेड सेल्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं एफ वन और डब्ल्यू वन से। इसका कॉस गिवन है आपको 42, यू आई गिवन है 0 और वीजे गिवन है 14, ठीक है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कॉस गिवन है 42 माइनस यू आई गिवन है 0, वीजे गिवन है 14, ठीक है। माइनस कर लेंगे इसको 42, इसको प्लस करना है फर्स्ट वन ब्रैकेट, फर्स्ट वन हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 0 प्लस 14 दैट इज मीन 14, माइनस कर देंगे क्लास इसको, देन आपका आंसर आएगा 28। ये 28 क्या होगा आपका नॉन एलोकेशन सेल्स का वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू क्या करना है आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सेम ऐसे जाएंगे फॉर्मूला के बेस पे, देखते क्लास यहाँ पे भी कॉस गिवन है 32, यू आई गिवन है 0 और वीजे गिवन है 16, तो 0 प्लस 16 दैट इज में 16, ठीक है। आप कैलसी से कर सकते हो, पहले इसको प्लस कर लो फिर इससे माइनस कर लो, 32 माइनस 16 दैट इज मीन 16, ठीक है। आइदर आप फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे विदाउट फॉर्मूला कर रहा हूँ, और यहाँ पे 50 और यहाँ पे 8 गिवन है और यहाँ पे 0, पहले इसको प्लस कर देंगे, 0 प्लस 8 8, 50 माइनस 8 कितना आएगा 42। फिर नेक्स्ट वन यहाँ पे 28 गिवन है, यहाँ पे 20 और ये 8, पहले इसको प्लस कर लो, 28 28 माइनस 28 ऑब्वियसली 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। एंड नेक्स्ट वन यहाँ पे 64, इसका यू आई है 28, इसका वीजे कितना है 14, 28 प्लस 14 प्लस कर देंगे 42, 42 इससे माइनस कर देंगे क्लास, तो आंसर आएगा आपका 22। ये हो गया। एंड लास्ट वन नॉन एलोकेशन सेल्स, अगर इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आता है क्लास तो दैट इज में अपना सम यहाँ पे मोदी मेथड का सॉल्व होता है, ठीक है। तो 82 है यहाँ पे 20 और यहाँ पे 26, फर्स्ट वन हम क्या करेंगे 28 प्लस 26 करेंगे, देन आंसर आएगा आपका क्लास 54। 54 को इससे माइनस कर देना 82 से, 54 को माइनस कर देंगे देन आपका आंसर आएगा 28, ठीक है। 54 28, राइट। तो ये हो गया आपका नॉन एलोकेटेड सेल्स, और इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आया दैट इज मीन ये सम यहाँ पे सम सॉल्व होता है। सम सॉल्व हो गया क्लास, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है रिम कंडीशन एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। रिम कंडीशन मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है, रिम कंडीशन के लिए एम प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशंस, तो m दैट इज मीन्स 3 आपका रो गिवेन है, यहाँ पे कॉलम 4 है, माइनस 1 इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे 6 इक्वल्स टू 6, ठीक है। और इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है आपको टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट TC 26 इंटू 11 प्लस 34 इंटू 6 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 46 इंटू 4 प्लस 54 इंटू 7 प्लस 36 इंटू 12। इसकी वैल्यू देख लेते, इसके लिए आपको कैलसी यूज़ करना है, ठीक है। कैलसी भी आपको यूज़ करना है, लेकिन एक कैलसी जो आप यूज़ करोगे उसमें मेमोरी का बटन जो रहेगा, तो मेमोरी के बटन के बेस पे आपको यूज़ करना है, बिकॉज इसमें आपको ईजी हो जाएगा और आपका टाइम कम कंज्यूम होगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख ले रहा हूँ वैल्यूज की कितनी आएगी, 34 इंटू 6 36 इंटू 3 फिर 46 इंटू 4 प्लस 54 इंटू 7 प्लस 36 इंटू 12, तो यहाँ पे आंसर आएगा क्लास 1592। तो ये हो गया मेरा मोदी मेथड्स।
ठीक है। तो आई होप ये आपको मोदी मेथड पूरा समझा होगा क्लास। तो मोदी मेथड से पहले आपको क्या देखना है, वैम वीडियो देखना है, ठीक है। वैम का मैंने डिस्क्रिप्शन देके रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा हुआ है, आप पहले वैम देखो एकदम अच्छे से, फिर उसके बाद मोदी मेथड पर आना। और जितना हो सके इतना ये वीडियो देख लो कि आपको वैम और मोदी पूरा क्लियर हो जाए, ताकि आपका 8 से और 7 मार्क्स कहीं ना जाए, ठीक है। ये इसमें टाइम कंज्यूम के टाइम कम कंज्यूम हो, इसलिए मैंने ये मेथड बताया हुआ है आपको, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। तो क्लास आप क्या करोगे, फर्स्ट वन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।